कल्कि का ट्रेलर आने के बाद पूरी तरह से थॉट ही चेंज हो चुकी है। जहां हम प्रभास को कल्कि के कैरेक्टर समझ रहे थे, वो कल्कि नहीं बल्कि भैरवा के रोल में नजर आएंगे। और वो जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है, वो तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो फिर से एक माँ के कैरेक्टर में नजर आने वाली है। जिस तरह से वो शाहरुख खान के साथ जवान में नजर आई थी, और उसी तरह के रोल में वो ब्रह्मास्त्र के अगले पार्ट में नजर आएंगे, और कुछ उसी तरह का कैरेक्टर उनका कल्कि में है। और इस तरह से ये भी उम्मीद है कि दीपिका पादुकोण ही कल्कि को जन्म देगी, क्योंकि एक सीन में अमिताभ बच्चन उनसे यह कहते हैं कि उन्होंने अपने गर्भ में भगवान को जगह दी है। और जहां तक हम अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की बात करें, तो ये चीज हमें पहले ही पता था कि वो अश्वत्थामा के रोल में नजर आएंगे। और ट्रेलर में हमें पहली बार दिशा पाटनी की झलक दिखती है, जिनका भैरवा यानी प्रभास के साथ लव एंगल होगा। और दिशा पाटनी भी जबरदस्त एक्शन मूड में नजर आने वाली है। स्टोरी सेट होगी 2898 एडी में और शुरू होगी काशी में, जहां पे सब कुछ बदल चुका है और राजा का शासन हो चुका है, जहां बड़े लोग अलग रहते हैं और छोटे लोग अलग। दोनों ही चीजों को फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, और काशी को जो मॉडर्न और एंशियंट का मिक्सचर दिया गया है, वो एकदम बवाल लगता है। हर एक सीन को फ्यूचर में दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अलग अलग प्रकार के हमें फ्यूचर की गाड़ियां भी देखने को मिलती है, और कई सारी मशीनें भी। जहां तक हम स्टोरी की बात करें, तो शहर के किंग के द्वारा दीपिका पादुकोण को ढूंढा जा रहा है, जिनके गर्भ में एक बच्चा है। ये ढूंढने का काम भैरवा भी करता है यानी प्रभास, वही अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस कारण भैरवा और अश्वत्थामा में जबरदस्त की लड़ाई देखने को मिलती है। और बात ये भी है कि जो बात कही गई थी फिल्म में 600 करोड़ रुपए लगाने की, वो चीज हमें ट्रेलर में दिखती है, लेकिन अभी भी मुझे कहीं कहीं वो हॉलीवुड वाला फील नहीं आ रहा है। फिर भी कोशिश अच्छी हो रही है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगी, लेकिन एक चीज और है जो सुधार करने की जरूरत है। बहुत बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे कॉपी करने का इंजाम लगा है, ये तो कहा ही जा रहा था कि ड्यून मूवी जैसा बनाया जा रहा है, लेकिन एक कोरियन आर्टिस्ट ने यह दावा किया है कि उनके आर्ट को बिना इजाजत के फिल्म में यूज किया गया है। अगर इन चीजों को साइड करें, तो फिल्म 27 जून को धमाल करने वाली है। ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है, बाकी क्या होता है ये रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बाय।